जैसे कि बहुत ही सिंपल सा है, रिप्लिकेशन का उल्टा फॉर्म होता है पीसीआर के ऊपर जब हम बात करते हैं, तो पीसीआर इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में जैसे आपको पता पॉलीमरेज का चेन का रिएक्शन है, इट इज इन विट्रो टेक्निक। ये जो होता है इन विट्रो टेक्निक होता है, पीसीआर इज इन विट्रो टेक्निक। सेल फ्री क्लोनिंग टेक्निक है, कैसा है? सेल फ्री क्लोनिंग टेक्निक है ये भाई, सेल फ्री क्लोनिंग टेक्निक है। सो हियर पीसीआर इज लाइक इन विट्रो सेल फ्री क्लोनिंग टेक्निक है, जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर एम्पलीफिकेशन, मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर एम्पलीफिकेशन, एम्पलीफिकेशन के लिए बहुत ज्यादा यूज किया जाता है ये, ठीक है। नाउ अब बात आती है कि एग्जैक्टली ये कॉपी जब करता है रिप्लिकेशन की, तो इसको एक प्राइमर की जरूरत होगी, देयर शुड बी रिक्वायरमेंट ऑफ प्राइमर एंड यू नीड टू डिजाइन अ प्राइमर हियर। प्राइम डिजाइन इज अ सॉफ्टवेयर, यू कैन यूज दैट पर्टिकुलर प्राइमर डिजाइनिंग। प्राइम डिजाइन करोगे एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देर इज लाइक सम पॉलीमरेजेस, कुछ आपके पॉलीमरेजेस की भी जरूरत पड़ेगी और कुछ आपके सॉल्ट जैसे Mg2+ और ATP वगैरह की जरूरत पड़ेगी एंड न्यूक्लियोटाइड्स की भी जरूरत पड़ेगी। ये सारी चीजें इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट बफर कोई नहीं छोड़ सकता भैया, बफर के बिना कैसे काम होगा, पीएच मेंटेन करना ही करना है। द पीसीआर इज लाइक ये जो होते हैं तीन चीजों पे करते हैं, मतलब आपके पास एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए, आपको पता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए में ना तो रिप्लिकेशन होता है, रिप्लिकेशन नहीं होगा तो उसका ऑब्वियस सी बात है कहाँ से पीसीआर कराओगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डीनेचर सो दैट सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट हो, और सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट होने के बाद सबसे पहले आपने डीनेचर किया, देन उसके बाद आप प्राइमर की एनलिंग कराते हैं, यहाँ पे भैया प्राइमर बाइंड करें, और प्राइमर बाइंड करने के बाद फिर वो एक्सटेंशन होगा, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप इज डीनेचुरेशन, सेकेंड स्टेप इज प्राइमर एनलिंग एंड थर्ड स्टेप इज एक्सटेंशन। लेट्स टॉक अबाउट इट। सब बेसिक थिंग जो मैंने आपको बताया ये तीन स्टेप्स में डिवाइड होता है पीसीआर, जैसा कि आपको डिस्कस किया। पहला स्टेप है डीनेचुरेशन, एनलिंग, एक्सटेंशन। ये प्रोसेस, ये साइकिल बार बार रिपीट होती रहती है। द डीनेचुरेशन अकर्स एट द टेम्परेचर ऑफ 93-95 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज लाइक अगर आप देखें तो लगभग 93-95 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर द 1 मिनट। ये कितने देर के लिए होता है? ये जो होता है 93-95 फॉर 1 मिनट, 1 मिनट के लिए हो रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट देर इज लाइक की प्राइमर एनलिंग टेम्परेचर 50-70 डिग्री सेंटीग्रेड, ये जो है इसमें 50-70 टेम्परेचर थोड़ा कूल डाउन करते हैं जहाँ पे प्राइमर बाइंड करेगा, एंड इट इज अ 5 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो द TM ऑफ प्राइमर। वॉट इज द TM? दैट इज अ मेल्टिंग टेम्परेचर। TM क्या है? मेल्टिंग टेम्परेचर। इसको कैलकुलेट करने के लिए मैंने न्यूक्लियोटाइड में भी बताया था वैलेंस रूल का यूज करते हैं। TM इज इक्वल टू 4G+C+2 A+T, दैट इज अ वैलेंस रूल। ये रूल आपको पता होना चाहिए, दैट इज वैलेंस रूल। और ये पूछा जाता है वैलेंस रूल कई जगहों पे, सिर्फ यहीं पे नहीं, TM कैलकुलेट करने का बहुत जगहों पे आप यूज करते हैं। सो वेरी सिंपल, 4G+C into 2A+T। वाई 4G+C? बिकॉज G और C के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, जबकि A और T के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। एनिलिंग करने के लिए टेम्परेचर को कम किया, 50-70 के आसपास लेके आए। इस जिसमें जो होते हैं प्राइमर का डिजाइन बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, कुछ स्पेसिफिक चीजें जो हैं वो आपका क्या होना चाहिए, दिस इज अ क्राइटेरिया ऑफ प्राइमर डिजाइन, बेसिक क्राइटेरिया। इसके अलावा भी बहुत चीजें होती हैं, बट एक ये तीन चीजें तो होनी चाहिए। पहली बात, टेम्परेचर जो है उसका 55 से लेके 70 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए विद दिस वैलेंस रूल। लेंथ शुड बी 15-25 बेस पेयर, नॉट मोर देन दैट। जीसी कंटेंट इज 40-60%, इसमें जो जीसी कंटेंट होना चाहिए वो 40-60% मैक्सिमम होना चाहिए प्राइमर का, ठीक है। नाउ आफ्टर प्राइमर एनलिंग यू हैव टू एक्सटेंड द टेम्परेचर, यू हैव टू इंक्रीज द टेम्परेचर अप टू द 70-75 डिग्री सेंटीग्रेड। आपने टेम्परेचर को थोड़ा सा एक्सटेंड किया फॉर 2 मिनट्स, ठीक है, 2 मिनट के लिए अब एक्सटेंशन होगा यहाँ पे। इसमें आप DNTPs को ऐड करोगे,
एमजी टू प्लस को ऐड करोगे, टैग पॉलीमरेजेस को ऐड करोगे, तो इससे पहले बफर वगैरह तो यहां भी यूज होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट बफर यहां पे जो है आपने एक्सटेंशन के केस में ये चीजों की जरूरत है, डीएनटीपी एमजी टू प्लस टैग पॉलीमरेजेस, ये जो है ये एक्सटेंशन के टाइम पे यूज होने वाले प्रोडक्ट है, उससे पहले इनकी जरूरत नहीं पड़ती। प्राइमर हो गया, बफर हो गया, ये सब पहले जरूरत पड़ेगा, बट ये तीन चीजों की जरूरत बाद में पड़ती है। इसके अलावा पीसीआर के प्रोडक्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ केस पीसीआर प्रोडक्ट के ऊपर जब हम बात करते हैं तो इनिशियल इनपुट कितना है, दैट इज अगर आप आफ्टर द साइकिल ये साइकिल कितनी बार चली उसे आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो एन इज इक्वल टू एन नॉट इन टू वन प्लस एफिशियंसी, वन प्लस एफिशियंसी टू पावर एन, वेर एन इज द नंबर ऑफ साइकिल। अगर पीसीआर की परसेंटेज एफिशिएंसी 100 है तो 1 लिखेंगे, अगर नॉर्मली 99 है तो 99 की बात 0.99 हो जाएगा। अल्टीमेटली ये है कि कितनी एफिशिएंसी आ रही है और किस हिसाब से वो चीज़ बनेगा, ठीक है। नाउ तो हियर ध्यान देने की कोशिश करिएगा कि इस फॉर्मूले को अगर हम बोले कि किसी भी पीसीआर की एफिशिएंसी 100% हो जाए, 100% का मतलब ये भी 1 ये भी 1, तो अल्टीमेटली ये वैल्यू हो जाएगा 2 के बराबर। जब 2 के बराबर हो जाएगा तो ये वैल्यू है n इज इक्वल टू एन नॉट प्लस सॉरी एन नॉट इन टू 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 पावर n, वेर स्मॉल n इज द नंबर ऑफ साइकिल कि कितनी देर तक ऑपरेट हुआ है। कई बार इस चीज पे पूछा जाता है और चीजों को सॉल्व करवाया जाता है, ठीक है। सो पीसीआर साइकिल समझने की कोशिश करिएगा कि व्हाट इज द डिफरेंट काइंड ऑफ पीसीआर, ठीक है, मतलब पीसीआर साइकिल में। तो नॉर्मली यही देखिएगा, सबसे पहले आपने क्या किया, दिस इज अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, लेट मी सी, डबल स्टैंडर्ड टारगेट डीएनए इस साइट वेयर द फॉरवर्ड प्राइमर बाइंड करेगा और साइट जहाँ पे थ्री ये बाइंड करेगा। अब प्राइमर बाइंड करने का हमेशा ध्यान रखना कि प्राइमर जो भी सिक्वेंस बाइंड करते हैं, जो भी चीज़ें चलती है उस पर एक रूल आता है, और हमेशा देखिएगा कि एक्सटेंशन पीसीआर में भी एक्सटेंशन 5' टू 3' डायरेक्शन में होगा, तो ये एक्सटेंशन होगा। ध्यान रखना अगर हम इस स्ट्रैंड के ऊपर बात करें तो प्राइमर हमेशा 3' एंड पे बाइंड करता है ऑफ द टेम्पलेट पर। कहां पे बाइंड करता है, अगर हम टेम्पलेट के ऊपर बात करें तो टेम्पलेट के 3' एंड पे बाइंड करता है यहां, ठीक है। तो देखिए 3' एंड पे यहां पे बाइंड कर रहा है, ये कर रहा है, ये जो मूव करेगा वो इधर की साइड मूव करेगा और ये इधर की साइड मूव करेगा, जो राइट हैंड चल रहा है इसलिए उसको फॉरवर्ड बोल रहा है, जो बैक आ रहा है उसको बोल रहा है रिवर्स प्राइमर। पहला काम आपने डीनेचुरेशन किया, द फर्स्ट वन फर्स्ट स्टेप दैट इज अ डीनेचुरेशन, यू हैव टू सेपरेट द डीएनए स्ट्रैंड विद द हाई टेम्परेचर, हाउ मच टेम्परेचर यू हैव टू गिव, ऑलमोस्ट 92 to 95 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, फॉर 1 मिनट आपने दिया। इसके बाद दिस शुड बी लाइक ये अलग अलग हो गए दो स्ट्रैंड, इसमें देखिए ये हो गया। अब डबल स्टैंडर्ड में एनिलिंग नहीं हो सकती थी क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग ऑलरेडी कर रखा था, अब यहाँ पे प्राइमर एनिल कर सकता है। नाउ दिस इज द लाइक प्राइमर एनिलिंग, अब आपने प्राइमर एनिलिंग कराने का पंगा लिया, सबसे पहले आपने क्या किया था डीनेचुरेशन, उसके बाद आपने किया कि प्राइमर एनिलिंग करवाएंगे हम। सी हियर प्राइमर एनिलिंग में ये जो था यहाँ पे देखिए ये इस जगह पे ये रिवर्स प्राइमर आके बाइंड कर गया, ये 5' to 3' डायरेक्शन मतलब इधर आपका एक्सटेंड होगा इस तरीके से, लेकिन ये जो कॉम्प्लीमेंट्री किसके है 3' एंड ऑफ द टेम्पलेट डीएनए और प्राइमर 5' to 3' एक्सटेंशन। सिमिलरली देखिए टेम्पलेट का 3' है और प्राइमर इस डायरेक्शन में, तो हमेशा ध्यान रखना टेम्पलेट 3' to 5' चलता है लेकिन सिंथेसिस हमेशा 5' to 3' होगी, हमेशा सिंथेसिस जो होगी जो न्यू प्रोडक्ट मिलेगा वो हमेशा आपका 5' to 3' होगा, लेकिन जब आप इसको टेम्पलेट के बेसिस पे समझोगे ना तो ये 3' to 5', क्योंकि हमेशा ये कॉम्प्लीमेंट्री दोनों चल रहे होते, वही चीज है यहाँ पे। बस देखिए फॉरवर्ड प्राइमर बाइंड किया, किधर सिंथेसिस होगी इस डायरेक्शन में, ठीक है ऐसे। तो दिस इज द केस एनिलिंग किया, कितने टेम्परेचर पे लगभग 55 to 57 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ऑलमोस्ट फॉर 1 मिनट ये चीज कर सकते हैं। नाउ इसके बाद जो हो जाता है प्राइमर एक्सटेंशन इनक्यूबेट एट द स्लाइटली हायर टेम्परेचर अलाउज द डीएनए सिंथेसिस टू अकर,
इसके बाद आपका थर्ड स्टेप दैट इज नोन एज प्राइमरी एक्सटेंशन। प्राइमरी एक्सटेंशन के ऊपर जब हम बात करते हैं तो आप क्या करोगे कि अब नॉट प्राइमरी एक्सटेंशन, इट इज लाइक वही प्राइमरी एक्सटेंशन या डीएनए एक्सटेंशन इंक्यूबेट किया आपने लगभग लगभग आपका लाइक 70 to 75 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 2 मिनट्स, ये चीज़ चलेगी, चलती रहेगी। नाउ देखिएगा कि ये एक्सटेंशन जो है इसी डायरेक्शन में धीरे 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 आगे बढ़ता रहा और यहाँ पे एक्सटेंड करके यहाँ पे चला आया। दिस इज द रिवर्स प्राइमर, ये जो था रिवर्स प्राइमर एडेड था और इस केस में ये आगे करके। सो दिस इज द केस वन स्टेप जिससे आपके एक डबल स्टैंडर्ड से दो डबल स्टैंडर्ड डीएनए मिल गए, यह है पहला और यह दूसरा। 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इस तरीके से यही प्रोसेस डबल स्ट्रैंडेड टारगेट डीएनए में डीनेचुरेशन एंडलिंग एक्सटेंशन बार 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 रिपीट करते रहेंगे तो बढ़ता चला जाएगा। और प्रोडक्ट निकालने के लिए जैसे आपको बताया गया था, जैसे फॉर एग्जांपल प्राइमर का एक एग्जांपल के तौर पर देखिएगा, ATGCT8ATA GCT8ATA, ठीक है। इस पर्टिकुलर केस में अगर नॉर्मली हम बात करते हैं तो ध्यान देने की कोशिश करिएगा कि व्हाट एग्जैक्टली टीएम वैल्यू शुड बी देयर। टीएम वैल्यू क्या होगा? टीएम वैल्यू इज एज यू नो दैट 4G+C+2 × A+T, यही था। नाउ G प्लस सी टाउन कोड कितने हैं, पहले तो प्राइमर का देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ठीक है। दिस इज लाइक 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, 14, 3, 17, 2, 19, 21, 20। 20 बेस पेयर का है ये प्राइमर। कैलकुलेट करो जी सी कंटेंट। व्हेन यू सी द जी सी कंटेंट हियर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, नाउ दिस इज 9, तो वी कैन से दैट वेरी सिंपली 4 × 9, बाकी जो हो बचा होगा क्योंकि टोटल 20 है तो ये 11 हो जाएगा, यू नो नीड टू काउंट क्योंकि सम तो 20 आना था। व्हेन यू सॉल्व इट, दिस इज 36 प्लस दिस इज 22, दिस शुड बी नियर अबाउट क्या हो जाएगा ये 58। और 58 है, यहाँ पे प्राइमर का क्राइटेरिया चेक करो कि अगर मैंने बोला जीसी कंटेंट का मतलब है कितना होना चाहिए था, 40 to 60%। जीसी कंटेंट कितना है, 9 / 20 × 100, सॉल्व करोगे तो ये है 45%, क्राइटेरिया फुलफिल हो गया, ठीक है। ये सुनो, नाउ अब हम बात करते हैं कि इसका जो नॉर्मल अगर बात किया जाए, ये फुलफिल हो गया। लेंथ चेक करो, लेंथ आपका होना चाहिए था 55 to 25 बेस पेयर, दिस इज नियरली 25 बेस पेयर, ये भी आपका ठीक है, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है। अब सवाल ये उठ जाता है कि ये था मेल्टिंग टेम्परेचर जो आपने कैलकुलेट कर लिया, तो व्हाट शुड बी द प्राइमर एक्सटेंशन टेम्परेचर, जो प्राइमर एनिलिंग टेम्परेचर, व्हाट शुड बी द एनिलिंग टेम्परेचर। एनिलिंग टेम्परेचर शुड बी TM-5°C, दैट शुड बी 58 to -55, 53°C। यू कैन यूज इट इन दिस वे एंड यू कैन कैलकुलेट द एनिलिंग टेम्परेचर विद इन दिस वे, ठीक है। तो दिस काइंड ऑफ एग्जाम्पल्स आप अपने हिसाब से रैंडम 20-25 का ड्रॉ करिए, खुद क्वेश्चन करिए और ये चीज कर सकते हैं आप। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन जो आते हैं प्राइमर के बेस पे जो इस तरीके से आता है कि नहीं, समझने की कोशिश करिएगा कि इनिशियली द नंबर वॉज वन, ठीक है। वॉट शुड बी द फाइनल प्रोडक्ट, वॉट शुड बी फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। व्हाट शुड बी द फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, अगर हम बात करें फाइनल कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर 10 साइकिल, ठीक है। सो दैट एन शुड बी एन नॉट इंटू 2 to power n, 1 × 2 to power 10, एंड 2 to power 10 इज नियरली लाइक 1 × 1024, एंड देर शुड बी लाइक 1024 इज द प्रोडक्ट, ये जो है, ठीक है। यू कैन सॉल्व इट इन दिस वे, आप इस तरीके से चीजों को सॉल्व कर सकते हैं, लेके जा सकते हैं। जो मैंने प्रोडक्ट के बेसिस बात किया, बहुत सारी चीजें इसमें जो होती है पूछी जाती है, ठीक है। नाउ दिस केस की अब इसी चीज पे आ जाती है, हियर कभी कभी जो हो जाता है कि ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जहां पे आप बात कर रहे थे कि नॉर्मली
इस तरीके के क्वेश्चंस आ गए, टीएम के टेम्परेचर पे क्वेश्चंस आ गए, कुछ इस तरीके के एग्जांपल्स आ जाते हैं, जस्ट लाइक ए टी जी सी, ए टी जी सी, ए टी जी सी। ठीक है, एक और लिख देता हूँ, ए टी जी सी। ये एक स्ट्रैंड है मेरा विच इज नोन एज 5' टू 3'। सेकेंड वन इज लाइक कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ इट, लाइक टी ए सी जी, टी ए सी जी, टी ए सी जी, टी ए सी जी। दिस इज द 3' टू 5', दो स्ट्रैंड है। अब इस दो स्ट्रैंड को कई बार पूछा जाता है कि भैया एक बात बताओ, इस दोनों स्ट्रैंड का प्राइमर क्या होगा। तो एज यू नो दैट कि दिस इज ए टेम्पलेट वन, प्राइमर पूछा जाता है, और प्राइमर के लिए फॉरवर्ड प्राइमर और रिवर्स प्राइमर क्या होगा। फॉरवर्ड और रिवर्स प्राइमर क्या होगा, सवाल ये उठता है। जब सवाल ये उठता है तो क्या करने की कोशिश करिएगा कि फॉरवर्ड और रिवर्स प्राइमर में, जैसे मैंने बताया था, टेम्पलेट ध्यान रखना, यहां पे जो होगा इस टेम्पलेट को करोगे तो यहां से फॉरवर्ड प्राइमर बनेगा, और यहां से जो प्राइमर बनेगा वो रिवर्स प्राइमर बनेगा। ठीक है, ये जो बनेगा इसके अगेंस्ट वो कौन सा बनेगा, वो बनेगा रिवर्स प्राइमर, क्योंकि बैक पे जा रहे हो, और यहाँ पे जो है फॉरवर्ड प्राइमर। ऐसे ही दो चार सीक्वेंसेस या लेके सॉल्व करना और होमवर्क करना। ये क्वेश्चन आपको ही होमवर्क करना है और ग्रुप पे मुझे बताना है कि क्या ये इसका फॉरवर्ड और रिवर्स प्राइमर क्या होगा। ठीक है जी, चलिए। तो ये तो मैं बेसिक एग्जाम्पल है, सीधा सा क्वेश्चन है, इसके अलावा इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। देयर इज डिफरेंट काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ पीसीआर, लाइक रियल टाइम आर टी, नेस्टेड, टच डाउन, इनवर्स, RAPD, AFLP। ये कुछ मॉडिफिकेशंस है। सबसे पहले बात कर लेते हैं रियल टाइम। रियल टाइम दैट इज अ क्वांटिटेटिव डिटेक्शन ऑफ द पीसीआर। ये रियल टाइम में डिटेक्शन करते हैं जिसमें कि प्रोब का यूज होता है। दिस प्रोब कैन बी लाइक, जैसे कि आपने साइबर ग्रीन की बात करते हैं, साइबर ग्रीन, ये कुछ प्रोब्स यूज किए जाते हैं इस पर्टिकुलर केस में। साइबर ग्रीन प्रोब्स होते हैं, टैकमैन प्रोब्स होते हैं, ठीक है, टैकमैन प्रोब है, ये यूज किया जाता है। साइबर ग्रीन जो होता है ये कहता है माइनर ग्रूव से बाइंड करता है, इंटरकैलेटिंग एजेंट है, माइनर ग्रूव से बाइंड करता है। डीएनए में माइनर ग्रूव कई लोगों को नहीं पता होता है, ठीक है, बट ये जो ग्रूव होता है ये माइनर होता है और ये वाला मेजर होता है, ये माइनर है और ये मेजर है। ठीक है, RT-PCR, एज यू नो दैट RT, इट इज नॉट रियल टाइम, इट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर। इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर, यानी कि mRNA को पहले cDNA में, उससे हम डीएनए बनाते हैं, दैट इज अ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड पीसीआर। यहाँ पे जो एंजाइम यूज होगा आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, दैट इज अ आरटी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यूज करेंगे। अनदर वन इज अ नेस्टेड पीसीआर। नेस्टेड पीसीआर इज समथिंग वेयर द टू प्राइमर्स आर यूज। यहाँ पे क्या होता है, दो प्राइमर्स का यूज होगा नेस्टेड पीसीआर में। पहला प्राइमर जो होगा एकदम इन से होगा, एंड इनिशियल लाइक टू एम्पलीफाई द सीक्वेंस विद इन द रीजन फ्लैंक बाय द पीसीआर। लाइक पहले क्या करेंगे, देखिए इस तरीके से होगा, पहला पीसीआर यहाँ पे हो, पहला प्राइमर इधर होगा यहाँ पे और यहाँ पे, ये पहला सेट ऑफ प्राइमर है, और दूसरा इसके जस्ट इंटरनल सेट ऑफ प्राइमर जो फॉरवर्ड और रिवर्स ये चलेगा, सो दैट कि आप और स्पेसिफिक तरीके से एम्पलीफाई कर पाओ। टच डाउन पीसीआर इज ऑल्सो नोन एज हॉट स्टार पीसीआर, दैट मीन्स जो एनिलिंग टेम्परेचर है उसको आप बढ़ा देते हो टू ऑप्टिमाइज द यील्ड डिजायर एम्पलीफाइड प्रोडक्ट। हॉट स्टार्ट का मतलब क्या कि आपने एनिलिंग टेम्परेचर जो है इंक्रीज कर दिया। वेरी सिंपल, क्या कर रहे हैं आप, एनिलिंग टेम्परेचर को आपने इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया। ठीक है, सो दिस इज द लाइक हॉट स्टार्ट पीसीआर। आफ्टर दैट देर इज अ केस इनवर्स पीसीआर। इनवर्स पीसीआर में क्या होता है कि अगर कभी कभी हमें पीसीआर के लिए नोन सीक्वेंसेस का होना जरूरी है बिकॉज वी कैन नॉट डिजाइन द प्राइमर। ठीक है, तो इन द केस ऑफ इनवर्स पीसीआर क्या होता है कि अगर हमारे पास बाहर अननोन हो और अंदर नोन हो, तो इसको पहले हम इस तरीके से सर्कुलेट करते हैं और रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन करा लेते हैं। ठीक है, सो दैट कि क्या होता है, नोन बाहर आ जाता है और अननोन अंदर चला जाता है, ये किया और उसके बाद रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन। तो अल्टीमेटली दिस इज अ इनवर्स पीसीआर। इनवर्स पीसीआर में टू एम्पलीफाई द अननोन सीक्वेंसेस एडजेसेंट टू द नोन डीएनए सीक्वेंसेस, ये काम करते हैं हम। RAPD, रैंडम एम्पलीफिकेशन ऑफ पॉलीमॉर्फिक डीएनए, मल्टीपल रैंडम प्राइमर्स इज यूज, कई सारे रैंडम प्राइमर्स यूज करते हैं। AFLP, जिसमें कि एक रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन करके दो बार पीसीआर का
रन किया जाता है। इसमें जो होते हैं आप एडाप्टर का यूज करते हैं, अपना खुद का एडाप्टर यूज करते हैं AFLP में और यूज करते हैं, ठीक है। सो दिस काइंड ऑफ PCR जो होते हैं वो यूज किए जाते हैं। होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट।